नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह एमपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। शिवपुरी जिले की दिनारा थाना पुलिस ने दो गांजा तस्करों को पकड़ा है। इन दो तस्करों के पास से 10,90,000 रुपए का गांजा बरामद किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों गांजा तस्कर आरोपी उत्तर प्रदेश के झांसी से शिवपुरी में इस माल को खपाने के लिए आए थे। इस मामले में पकड़े गए दो आरोपियों में से एक दिव्यांग है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके दूसरे साथियों का भी पता करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने माल जब्त कर लिया है और इन लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में लगे हुए यूपी बॉर्डर पर लगातार निगाहें रखी जा रही है। इसी सिलसिले में जब पुलिस ने यहाँ पर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया तो दोनों गांजा तस्करों को दबोच लिया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से अवैध गांजा लेकर झांसी की तरफ से दिनारा की तरफ आ रहे हैं। इसी सूचना से थाना प्रभारी दिनारा संतोष भार्गव ने झांसी शिवपुरी हाईवे रोड दिनारा चेक पोस्ट प्रतीक्षालय के पास वाहनों की चेकिंग अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से झांसी की तरफ से आते दिखे। मोटरसाइकिल को रोक कर चेक किया तो दो व्यक्ति जिनकी पीठ पर काले रंग के पिट्ठू बैग टंगे हुए थे, बाइक पर बैठे इन दोनों आरोपियों ने अपना नाम दिनेश पुत्र शिवलाल सेन उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम गढ़ी थाना पिछोर जिला ग्वालियर और बाइक पर पीछे बैठे विकलांग व्यक्ति ने अपना नाम राजकुमार पुत्र बाली सेन उम्र 35 साल निवासी पुराना दिनारा जिला शिवपुरी बताया। दोनों के पास से दो पैकेट में लगभग 10 किलो 868 ग्राम गांजा जिसकी कीमत करीबन 10,90,000 रुपए एवं मोटरसाइकिल कीमत तकरीबन 75,000 रुपए कुल मशरूका 11,65,000 रुपए जब्त किया गया। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।